देश में नए संसद भवन का निर्माण हो चुका है, लेकिन देश में संसद को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं इस पर जेजेपी नेता दीप कमल ने संसद को लेकर बयान दिया और क्या कुछ कहा, सुनिए। देश के लिए गौरव की बात है कि एक जो पुराना भवन हमारा, जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, उसका नवीनीकरण और एक नई इमारत हमारे देश में बनी है और उसका उद्घाटन हो रहा है 28 तारीख को। मुझे लगता है कि पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए और जो संसदीय व्यवस्था है हमारे देश की, उसके लिए कि ये गौरव का दिन है और सभी को इसका उत्सव मनाना चाहिए। हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी इस दिन के लिए उत्साहित भी है और हमने पूरा समर्थन भी किया है कि उसका एक भव्य आयोजन हो और जैसा तय किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, हम पूरी तरीके से उसके समर्थन में हैं। तो वहाँ जाएंगे, डिप्टी सीएम भी जाएंगे और बाकी भी पार्टियों भी जाएंगे, नेता दिया हुआ है। बिल्कुल, जननायक जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो जैसा निमंत्रण रहेगा उसके हिसाब से कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो ऑपोजिशन पार्टी है 19-20 है, वो ऑपोजिशन कर रही है, वो कह रही कि राष्ट्रपति के द्वारा ही ओपनिंग करना चाहिए, उसको किस तरह से देखते हैं, क्या राजनीति है या इसमें आप? देखिए, आज के समय में कुछ बातों पर विरोध सिर्फ विरोध के लिए हो रहा है और जो विपक्ष के दल हैं वो बिना इस बात की के इतिहास को समझे या उसकी जो व्यवस्था होती है उसको समझे बिना सिर्फ सरकार का विरोध करने के लिए विरोध कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर बड़े बड़े जो काम थे उनकी शुरुआत या फिर उनके उद्घाटन राजनीतिक लोगों ने और प्रदेश जो देश में बड़े पदों पर बैठे हैं राजनीतिक लोग, उन्होंने